Question number 10. This question is from functions. And the 1-1 function f is defined by fx is equal to x minus 2 whole square plus 2 for x is greater than or equal to c, where c is a constant. State the smallest possible value of c. यह हमें function जो है ये completing square form में दिया हुआ है. यहाँ से हम quadratic function है और इसका turning point हम बता सकते हैं. ये minus 2 जो है इसका sign change कर देना आपने. ये positive 2 आ जाएगा. इस constant value को वैसे लिख लें तो ये इसका स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट आ जाएगा 2-2. अगर हम इसको स्केच करें तो ये अगर हम इसको स्केच करते हैं तो ये बन जाएगा ग्राफ इस तरह का होगा. 2-2 जो है वो पॉइंट यहां पे लाई करेगा. 2-2 लेट दिस इज द पॉइंट 2-2. तो ग्राफ इसका बनेगा ग्राफ विल टेक मिनिमम वैल्यू. ये ग्राफ होगा का ये ग्राफ होगा. अब ये ग्राफ जो है ये एज ए होल 1-1 फंक्शन नहीं है. एज ए होल अगर इस फंक्शन को देखें इस ग्राफ को मैं फंक्शन कह रहा हूं. ये फंक्शन इसका ये फंक्शन दिया हुआ है एक्सप्रेशन दिया हुआ है. ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है एज ए होल. ये एक 1-1 फंक्शन नहीं है क्योंकि यहां कहीं भी हम वाई की वैल्यू लेते हैं उसके लिए एक्स की दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास. तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है. इसको 1-1 फंक्शन हम इसी सूरत में बना सकते हैं कि इस ग्राफ के दो पार्ट्स हैं. हाफ ये देखें दिस लाइन इज अ सिमेट्रिक लाइन. दिस इज राइट हाफ दिस इज लेफ्ट हाफ. इसमें से एक हाफ नहीं होगा तब ये फंक्शन 1-1 होगा. तो हमने देखना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सी सी हमें एक्स की वैल्यू को कहा है. स्मॉलेस्ट वैल्यू सी की कौन सी हो सकती है ये देखें. ये स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स की यही हो सकती है. यहाँ पे एक्स 2 आ रहा है इधर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब है कि ये हाफ हमारे पास नहीं होगा. अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी होती तो फिर भी वैल्यू आंसर यही आता 2 लेकिन फिर ये पार्ट नहीं होना था. अब स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी पूछिए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होगी 2 क्योंकि इससे आगे जो है एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. याद रखें कि एक्स जो है वो एक्स जो है एस सी की वैल्यू को ही कहा है. तो सो ये पार्ट जो है पार्ट ऑफ ग्राफ जो है हमारे पास नहीं होगा इस फंक्शन को 1-1 कहने के लिए. तो सो इसको हम कर देते हैं फिनिश. नाउ द फंक्शन इज 1-1. अब फंक्शन जो है ये 1-1 है क्योंकि यहां मर्जी यहां देखें जो y की वैल्यू के लिए कहीं भी y की वैल्यू ले लें उसके लिए a की x की वैल्यू आएगी. तो अब नाउ द फंक्शन इज 1-1 और दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ c दैट इज 2. Now next, in part second and third, the value of C is 4. You see, first part में C है. अब next two part, दोनों parts में इसकी value जो है ये 4 है. Find an expression f inverse x. पहले हमने f inverse x find करना है क्योंकि function अब 1-1 है. तो अब हम इसका inverse भी find कर सकते हैं कि inverse is only possible if the function is 1-1. fx is equal to function given है x plus 2
स्क्वायर प्लस टू। अब इसकी डोमेन जो है वो है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एफ एक्स को लेट वाई से रिप्रेजेंट कर लें। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, सॉरी यहाँ पे एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू स्क्वेयर प्लस टू। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स माइनस टू स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस टू, टेकिंग स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ई साइड, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई माइनस टू स्क्वेयर रूट। फ्रॉम हेयर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू जो है राइट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो टू प्लस माइनस वाई माइनस टू स्क्वेयर रूट। तो दिस शोज दैट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस टू स्क्वेयर रूट। अब हमने जस्टिफाई करना है कि टू प्लस एक्स माइनस टू अंडर रूट आएगा आंसर या टू माइनस, इनमें से एक साइन होगा और एक साइन नहीं होगा, प्लस लेना है या नेगेटिव लेना है। तो इसके लिए क्योंकि डोमेन दी हुई है हमें एक्स इज ग्रेटर देन फोर, जो डोमेन फंक्शन की डोमेन होती है वही इनवर्स की रेंज होती है। तो सो एफ इनवर्स के लिए, एफ इनवर्स एक्स के लिए हम टू प्लस समथिंग होगा, टू माइनस नहीं, क्योंकि टू से ये वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, तो अगर टू में से माइनस करेंगे कुछ तो वो वैल्यूज स्मॉलर हो जाएंगी, लेकिन हमें डोमेन जो गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो सो हम हमारे पास ये डिसाइड हो गया कि ये प्लस वाला साइन होगा, नेगेटिव नहीं होगा। एफ इनवर्स एक्स जो है दैट इज टू प्लस एक्स माइनस टू अंडर रूट, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। अब हमने फाइंड करने हैं, स्टेट करने हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो होती है वो फंक्शन की रेंज को ही कहते हैं। अब इस फंक्शन की एफ इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन का मतलब कि एक्स की कौन सी वैल्यूज जो है वो इसको सेटिस्फाई करती हैं। अब हमने क्योंकि फंक्शन की डोमेन ये देखें, फंक्शन की डोमेन जो है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है, तो फंक्शन इनवर्स की रेंज भी वही होगी। रेंज फंक्शन की ये है, इसका मतलब ये जो है फंक्शन की रेंज है, फंक्शन की ये इनवर्स की सॉरी ये इनवर्स की जो है रेंज ये है। देखिए ये एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स की रेंज ये है और फंक्शन की डोमेन ये है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। सो हम कैसे डोमेन इसकी फाइंड करेंगे, इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट दिस, वहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो डोमेन होगी एफ इनवर्स की। सो टू प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन अंडर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। यहां हमने क्या किया है, एक्स की जगह पे ये एफ इनवर्स एक्स को पुट कर दिया, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन की रेंज है, एफ ये इनवर्स की ये रेंज है और इस एफ एक्स की डोमेन ये है, दोनों इक्वल होंगी, इसलिए हमने एक्स की जगह पे ये इनवर्स जो है उसकी रेंज पुट कर दी है। तो यहाँ से हम एक्स फाइंड कर लेंगे, वो डोमेन होगी एफ इनवर्स की, एक्स माइनस टू अंडर रूट इज ग्रेटर इक्वल टू फोर माइनस टू दैट इज टू, टेकिंग स्क्वेयर ईच साइड एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, दिस इज द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, दिस इज द डोमेन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स
ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, इसके लिए भी डोमेन एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 51, गिविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म, ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी। हमने इस फंक्शन को जो है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आ गया, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 51, ये एक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करके हमने आंसर इस फॉर्म में देना है। सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर प्लस टू एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स ये इनर फंक्शन है। हम इस फंक्शन को पहले ऐसा लिख लेंगे, इस एफ को ऐसा लिख लेंगे, इस एफ एक्स की जगह पे हम इस फंक्शन को लिख लेंगे, एफ इंटू एक्स माइनस टू स्क्वेयर प्लस टू। अब हम इससे कंपेयर करेंगे, इसको यहां पे एक्स आ रहा है फंक्शन के आगे, एफ के आगे यहां पे विद इन ब्रैकेट क्या है एक्स, लेकिन यहां पे क्या है ये एक्सप्रेशन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस टू। अगर यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे टी हो जाता आ जाता है, अगर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू आ जाएगा, जो कुछ भी इस ब्रैकेट के अंदर है वही यहाँ पे आना है। अब ब्रैकेट के अंदर ये है तो इन प्लेस ऑफ दिस एक्स वी विल पुट दिस, बाकी चीजें सारी वैसे लिखनी है। तो सो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स जो है ये हमारे पास आएगा एक्स माइनस टू, इस एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे हम ये सारा कुछ लिख रहे हैं, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस टू, ये इस एक्स की जगह पे अभी हमने ये लिखा है, उसके आगे माइनस टू है तो ये माइनस टू भी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी यहाँ पे लिखेंगे हम, उसके आगे जो है प्लस टू भी है तो हम यहाँ प्लस टू लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये देखें ये कैंसल आउट, हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस टू स्केयर, ऊपर और स्केयर है, एक्स माइनस टू पावर फोर आ जाएगी, एक्स माइनस टू पावर इसकी आ जाएगी फोर प्लस टू। अब ये f ऑफ एफ एक्स जो है ये हमें गिवन है किसके इक्वल है 51 के, f ऑफ एफ एक्स हमने फाइंड कर लिया है, ये f ऑफ एफ एक्स जो है ये गिवन है f ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 51, हम इसको 51 के इक्वल पुट कर देंगे। तो सो x माइनस टू पावर 4 प्लस टू इज इक्वल टू 51, ये टू राइट पे आ जाएगा, x माइनस टू पावर 4 इज इक्वल टू 49, नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ईच साइड, वी गेट x माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, दिस शोज दैट x माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 7 और x माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 7। अब ये यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल है कि यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्योंकि हमने x फाइंड करना है, ये राइट साइड पे नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ ये फिनिश करने के लिए स्केयर फिनिश करने के लिए स्केयर रूट लेना पड़ेगा, इधर तो ले सकते हैं राइट साइड पे नहीं ले सकते, राइट साइड पे नेगेटिव टर्म है, तो सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसको इधर ही छोड़ दें, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, यहां से हम एक्स फाइंड करेंगे टेकिंग स्केयर रूट ईच साइड, वंस अगेन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 अंडर रूट, यहां से x आ जाएगा 2 प्लस माइनस 7 अंडर रूट। अब फिर से दो वैल्यूज आ गई हैं, 2 प्लस 7 अंडर रूट होगा हमारा आंसर, ये 2 माइनस 7 अंडर रूट होगा,
यहाँ पे देखें डोमेन जो है कि वैल्यू ऑफ सी इज 4, सी डोमेन एक्स की वैल्यू को का है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, डोमेन जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 2 में ऐड करके आएगा वो, तो सो फाइनली डिसाइड हो गया कि एक्स जो है वो 2 प्लस 7 अंडर रूट होगा, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये डोमेन है इस फंक्शन की, क्योंकि एक्स इज गिवन, डोमेन गिवन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो सो यहाँ पे 2 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट नहीं होगी बल्कि 2 में कुछ चीज ऐड होगी, तो 2 प्लस 7 अंडर रूट, ये हमारा आंसर है।